चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो लास्ट क्लास में हमने देखा था उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन आगे के टॉपिक्स पे आएंगे। लास्ट क्लास जो आप लोगों को बताया था वो हम लोग मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में समझाया था कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया से आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। ये आपको याद होना चाहिए कि एक एरिया, मान लो यहाँ पे हमने A2 लिया था, A1 लिया था, ठीक है, तो A1 एरिया के थ्रू आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा था, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा था तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 यूनिट है या 2 है। उसी तरीके से A2 एरिया से आपका 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ का आपका 4 यूनिट्स है। ये तो सब जनरल डेफिनेशन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, राइट। और मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ई डॉट ए, और ई डॉट ए का मतलब आप साथ में एक और फॉर्मूला लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट का अगर आपको याद हो, ए डॉट बी होता था तो ए डॉट बी का हम लोग बोलते थे ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट ए को हम लोग साथ में ये भी बोल सकते हैं कि ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा यहाँ पे भाई थीटा क्या है, तो थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि थीटा यहाँ पे क्या है, आवाज आ रहा है डार्क योग की तरफ से। चलो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फ्लक्स फाई, ठीक है, फाई इक्वल्स टू ए कॉस और साथ में थीटा, ठीक है, तो ए कॉस थीटा यहाँ हो गया, ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई, एक तो ई डॉट ए, एक इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और एक और आ गया ई ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो इसका प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज में हम लोग फ्लक्स का देखते हैं। जो नॉर्मल सी चीजें थी ऑलरेडी सबको पता है, प्रॉपर्टीज पहला कैसा क्वांटिटी होगा फ्लक्स, आप ही लोग बताओ, लास्ट क्लास में बताया भी था। सब चैट में बताइए कैसा क्वांटिटी होता है। यस एग्जैक्टली, पहला में होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करेगा। दूसरा आप लोग बताओ कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट फ्लक्स का क्या होगा,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो एक दो तीन। ओके और बाकी लोग? ठीक यस एग्जैक्टली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया का मीटर स्क्वायर जो होता है, तो मीटर स्क्वायर में आपका क्या हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर कॉस थीटा जो है, तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का कुछ नहीं होता है, राइट। कॉस थीटा डायमेंशनलेस होता है, यूनिट यूनिटलेस होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और आप क्या कहते हैं, चलो आप ही लोग बताओ, आप डायमेंशन डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन लिखना चाहे तो डायमेंशन क्या होगा बताओ। एक ने बोला ML3 T का पावर -2, C का पावर -1। ML का पावर 3, T का पावर -3, A का पावर -1। और बाकी लोग देखो मैक्सिमम का आ रहा है, मतलब 1 2 3 4। बाकी लोगों को नहीं आता क्या? न्यूटन का तो पता ही है, कूलम का भी आपको पता ही है, लेंथ का भी आपको पता ही है। ML3 T-3 A-1। चलो मैक्सिमम का वही आ रहा है, एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। ML3 T का पावर -3 और A का पावर -1, ठीक है। कैसे देखिए, एक्चुअली आपका जब आप यहाँ फ्लक्स का आप निकालोगे डायमेंशन, तो फ्लक्स का डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले न्यूटन न्यूटन यानी कि फोर्स का होना चाहिए। और फोर्स का क्या होता है, MLT-2। MLT-2 जब आप लिखोगे यहाँ पे, और साथ में आप क्या है, मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा L का पावर 3, और चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज यानी कि A इंटू टी, तो टी का पावर आपका फिर से ऊपर चला जाएगा, टी का पावर आ जाएगा -1। ये आप यहाँ पे लिखो इसका डायमेंशन। बाकी जो निकाल लिए बहुत अच्छी बात, जो नहीं निकाले हैं वो इसको निकाल के देखिएगा, राइट। और मैंने ये बोला भी था कि आपको निकाल के देखना है क्या हो जाएगा, ML का पावर 3, टी का पावर -3 और A का पावर -1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आ गया आपका डायमेंशन। चलो छोटे छोटे पहले न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपका देखो, मान लो हम लोग एक स्फीयर सर्किल ले रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको फ्लक्स की शेप जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज, राइट। तो ओपन और क्लोज में मैं सबसे पहले जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ क्लोज, ओपन, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा 3D में, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम लोगों का जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, इसका याद करो, एरिया वेक्टर मैंने जो बताया था वो, इसका एरिया वेक्टर कितने डायरेक्शन हो सकते हैं आप लोग बता सकते हो 3D में, ज़ूम कर पा रहे हो थोड़ा? अगर आपको दिख रहा होगा तो आप ये चीज, मैं देखो आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये ऐसा रिंग दिख रहा है ना, ये रिंग ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये रिंग ऐसा रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर का कितना डायरेक्शन होगा? तीन। तीन कैसे होगा? बाकी लोग
तो दो इनफाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट तो नहीं होगा, टेन टू एक बिल्कुल नहीं, सबको याद होना चाहिए। दो होता था, दो बताया था कि अगर ऐसा होगा तो ये इसका दो तरीके हो सकते हैं, एक या तो ऊपर जाएगा और एक या तो नीचे, सबको याद होना चाहिए ये चीज। एरिया वेक्टर जो समझाया था वो तो समझाया था आपको ऑलरेडी कि दो तरीके, दो डायरेक्शन हो सकता है इसका एरिया वेक्टर का, इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना। इनफाइनाइट हमेशा, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, राइट? तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो आप यहाँ पे देखो ना, याद करो, इसमें नहीं इधर निकलवाया, यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो कितना वेक्टर यहाँ पे निकाला था, कितना डायरेक्शन निकाला था, नहीं सबको दिख रहा है ये स्क्रीन पे, देखो सबको याद होगा, एरिया वेक्टर का दो डायरेक्शन निकाला है, यही वाला फिगर तो है, दिस वन, प्लस माइनस पाई स्क्वायर जे कैप। तो या तो एक प्लस जे कैप होगा और एक माइनस जे कैप होगा, राइट? तो उसी तरीके से, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर का दो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन कौन कौन सा, एक प्लस के कैप और दूसरा माइनस के कैप, तो तीनों और इनफाइनाइट वाले ध्यान रखे फिर से, ठीक है? क्योंकि अभी जो क्यूब वाला निकलवाया था, बाकी सारी चीजें निकलवाई थी, उसी पे क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर जब आप निकालोगे तो एरिया वेक्टर जो होगा वो उसका दो डायरेक्शन होगा, राइट? तो एरिया वेक्टर जो है वो दो डायरेक्शन होगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वापस से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है, ठीक है, साथ में वो रेडियस आपको दिया हुआ है आर, ठीक है? और जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है भाई, तो ई है, ठीक है? और इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री, ठीक है? और ऊपर ही रख लो जे कैप, ठीक है? तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं फिलहाल कि इसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो एरिया वेक्टर इसका ऊपर दिया हुआ है, राइट? पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द फ्लक्स, बताओ। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला आपका स्क्रीन पे ही है, और ई की वैल्यू भी दी हुई है, ई की वैल्यू ई है एक्चुअली, एरिया आप निकाल सकते हो, सर्कल का एरिया आपको मालूम है, और एंगल भी आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच दिया हुआ है, कितना आंसर होना चाहिए, कोशिश कीजिए सब। क्लास के ड्यूरेशन में कोई अनम्यूट ना करें, जिनको अनम्यूट करना है पहले वो पूछ ले, जिनको कुछ बोलना है वो पूछ ले, क्योंकि उससे पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, राइट? चलो, एक ने बोला ई इंटू पाई, ऐसा ही हमने बोला ई इंटू पाई स्क्वायर, जो रूट थ्री पाई स्क्वायर बाई टू, अच्छा, और टू टाइम्स ई रूट थ्री पाई आर स्क्वायर बाई टू, ज्योत्सना ने बोला ई इंटू पाई स्क्वायर बाई टू, आराधना ने बोला ई प्लस माइनस ई पाई रूट थ्री आर स्क्वायर बाई टू, ई तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, रूट थ्री ई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आप लोग पहले तो ये मुझे बताओ, कि थीटा की वैल्यू कितनी है, सो बता दो मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बता दो, चलो सबका जवाब आना चाहिए, देखो 30 30 30 60, देखो ए इंटू
30, मोहित ने भी 30, राहुल ने भी 30। देखो इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा ध्यान दो, थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है? सोचो ध्यान से। मैक्सिमम लोग थीटा की वैल्यू 30 ले रहे हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो वहां पे √3 आ जा रहा है, राइट? बट एक्चुअली वैसा नहीं है। आप खुद से ना ध्यान ध्यान से देखो ना जरा, ये जो एंगल है ये आपका किस लाइन से है, ये रेडियस से बना रहा है 30 डिग्री, एरिया वेक्टर से 30 डिग्री नहीं बना रहा है। एरिया आपका क्या होता है, प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि जो हम लोग का ये एंगल होगा, दिस एंगल इज कितना। अच्छा ये एंगल बता दो, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री सर, एग्जैक्टली 90 सर, 90, 90 सर। ये 90 है और ये 30 है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यानी कि दिस वन, ये कितना हो गया? 60 डिग्री, सिक्सटी 60 डिग्री। यस एग्जैक्टली 60 डिग्री। तो फिर मैक्सिमम लोग 30 डिग्री कैसे ले रहे हैं थीटा की वैल्यू? मैंने यहाँ इसीलिए पहले लिख भी दिया है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री लेनी है, तो पहली गलती तो सब यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद अब यहाँ पे आप आराम से इस पे बैठा लो, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेनी है, ठीक है? अब थीटा की वैल्यू जब हो गई 60 डिग्री, तो आप जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे, फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे, तो आप नहीं निकल जाएगा, आप फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? E इंटू ए इंटू cos 60 डिग्री, E इंटू ए इंटू cos 60 डिग्री। E की वैल्यू तो E रहेगी, एरिया का वैल्यू, 60 डिग्री एरिया का वैल्यू 60 डिग्री। नहीं सर, सॉरी सर, एरिया का वैल्यू कितना? पाई स्क्वायर, राइट? इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू 1/2, राइट? तो 1/2 तो टी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। समझ में ना आया सर, जो इधर लिखा ना है cos 60 डिग्री के बगल में इक्वल टू लिखे ना ई पाई आर स्क्वायर बटे टू, हाँ, ये समझ में नहीं आया। होती नालायक, बताओ cos 60 की वैल्यू क्या? फिर सवाल नहीं आ रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? आपका नेटवर्क इशू है, बलराम। बाकी लोगों को सही आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, बलराम आपका यस सर, है? मैं ये पूछ यस सर, रहा हूँ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? बता रहे सर। आपको याद ही नहीं है? बाकी लोग बताएंगे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? वन बटे टू, वन बाय टू सर। यस एग्जैक्टली, तो ये 1/2 वहीं से आया। यस और एरिया का वैल्यू कितना होता है सर्किल का? पायर पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू बाई टू। अभी क्लियर हुआ बलराम आपको? यस सर, चलो ठीक है, म्यूट कर लो फिर। चलो जिनको ये क्लियर है नीचे चार ऑप्शन में जा करके यस कीजिए, ऑप्शन में मोड में जा करके यस का ऑप्शन होगा वहां पे यस पे क्लिक कीजिए, जिनको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो सिर्फ अभी तक 28-30 लोगों का आया हुआ है, बाकी 43 लोग क्लास में। बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? अंशु, अश्विनी, बलराम, चंदन, इंद्रदेव, आप लोगों को क्लियर नहीं है क्या? मुशर्रफ,
प्रियंका सोनू तनीष क्या दिक्कत है आप लोगों को बताओ। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है दोनों के बीच का एंगल आपको क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच का एंगल ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का एंगल देखना है टेल्स के बीच का एंगल राइट। चलो इस पे दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों को सही सही बनाना है ठीक है। कोशिश करो कि दूसरा सवाल सही बने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंशु आपने हैंड रेज किया है कोई डाउट है अनम्यूट करो और पूछो। सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और रिपीट कीजिए ना। एरिया वेक्टर समझ में आया कितना एंगल बना नो सर। कितना एंगल बना आपको पता ही नहीं चला। सर 60 डिग्री बनाओ। तो 60 डिग्री कैसे बना 60 डिग्री कैसे बना सो बता। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में कितना एंगल दिया होता 30 डिग्री 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हुआ 60 डिग्री 60 डिग्री। 90 डिग्री हाँ ठीक है एग्जैक्टली। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री 90 में घटा देना ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ई दिया हुआ था दोनों के बीच का एंगल आपको 60 दिया हुआ है और ये सर्किल है तो सर्किल का एरिया कितना होता है। सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया 60 डिग्री एरिया एरिया पूछ रहा हूँ एंगल नहीं। एरिया यानी पाई क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर। है। तो पाई आर स्क्वायर तो एरिया की वैल्यू बताएंगे। यस सर। एरिया का वैल्यू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया आंसर। यस सर। चलो चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये फिर से मैं वही चीज कर रहा हूं लेकिन देखो उस फिगर में और इस फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है वो डिफरेंस ही आपको पकड़ना है और उसी डिफरेंस से ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि तो इसमें मैं कोई हिंट नहीं देने जाने वाला ठीक है। सबको इसको समझिएगा। ये रेडियस आर इस साइड दिया हुआ है ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी इसी साइड है ठीक है। ध्यान रखना यानी कि ई की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दिया हुआ है इस डायरेक्शन में दिया हुआ है मान लीजिए ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे मिला दिया ये इसको मैंने यहाँ मिलाया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस के तरफ है ठीक है। और दूसरा ये इसके बीच का यहाँ का रेडियस है और रेडियस है आपका आर। फिर से आपको पूछ रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी है। तो एक सोच के बताइए सब फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। पहला तो ये बताओ कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर आप पता कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सर ऊपर सर के कैप की ओर सर। हाँ एग्जैक्टली के कैप की हो ठीक है। और बाकी लोगों को पता चल रहा है कि के कैप कैसे होगा। 90 डिग्री तो अगर आपको के कैप समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर की जो वैल्यू का डायरेक्शन है वो के कैप है तो आप फ्लक्स का सोचो फिर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। चलो एक का आया ठीक है प्रियांशु ठीक है जो सुना। और बाकी लोग सोचिए
ठीक है संयम, ठीक है बिट्टू। मोहित, पीयूष, सचिन, अंशु, ऋषिकेश, सबका ठीक है। चलो और बाकी लोग ठीक है? ठीक है, ये ध्यान से समझिए इस चीज को कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, अगर मैं आई कैप लेके चलता हूँ, ठीक है, अगर मैं आई कैप ले, वैसे अगर आई कैप नहीं भी लेते, सपोज मैंने यहाँ पे आई कैप ले लिया कि E वेक्टर E इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ आई कैप, राइट, आई कैप अगर ले भी लिया तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो पहले आई कैप लेके बना रहे, फिर बिना आई कैप के साथ बना। एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स के कैप, ठीक है, अब जो भी वैल्यू हो, पाई आर स्क्वायर हो या कुछ भी चीज हो, वो दोनों के बीच का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या है, के कैप। तो आई कैप और के कैप, तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना, याद करो फ्लक्स जो होता है वो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर ई ए कॉस, इसका आवाज आ रहा है, मैं 10 बार बोल चुका हूं पहले भी, क्लास के ड्यूरेशन में कोई अनम्यूट नहीं करेगा, अदरवाइज फिर मैं म्यूट किया करूंगा, क्लासेस रिकॉर्ड होते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता ये चीज, तो पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आप क्लास के ड्यूरेशन में हो तो क्लास के ड्यूरेशन में आप ऐसे जगह पे रहो जहां हल्ला नहीं हो, अदरवाइज आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर बोलोगे सर ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई ए और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि दोनों के बीच का एंगल, और आई कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना होता है, आप लोग बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड के कैप, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, राइट, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। इस तरीके से फ्लक्स का जो वैल्यू यहाँ पे हो गया वो क्या हो गया, 0, ठीक है, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, नाउ अगर मैंने यहाँ पे देखो एक चीज और समझना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आई कैप ले लिया तो 90 डिग्री बना, मैं सेम सवाल दे रहा हूं, फिर से सोचना सबको, ठीक है, सेम इसी तरीके का सवाल है और आपको फिर से बताना है कि फ्लक्स क्या होगा, हाँ कुणाल क्या डाउट है आपका बताओ सर, जैसे अभी सर जैसे अभी आप सर्कल जैसे प्लेन में ले रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्ट ले रहे हैं, अगर सर्कल को थोड़ा कर्व कर दे फिर कैसे होगा सर, कर्व तो ये बताया ना वो अभी पहला वाला तो वही था ना, ये टेढ़ा ही तो है, नो सर जैसे टेढ़ा है ना सर एंगल में, मतलब अभी प्लेन है ना सर, थोड़ा सा एक साइड से उठा देंगे और थोड़ा सा तिरछा कर देंगे उस टाइप में सर, चलो वो भी क्वेश्चन अभी आएगा, अभी आएगा टेंशन नहीं, ठीक है सर, देखो पहला दूसरा सवाल यहाँ पे इस पे आते हैं, अभी इस केस में जो है हमारा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है नाउ, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और रेडियस उतना ही है आर ही है, ठीक है, अभी आप लोग बताओ कि इस केस में आपका फ्लक्स कितना होगा, पहले जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन आपको दिया हुआ था कि आई कैप के साइड है तो आपने वो बना लिया, लेकिन अभी ये इस केस में एरिया वेक्टर किधर होगा और फ्लक्स कितना होगा, चलो एक का जवाब आया, ठीक है मनु, बाकी लोग एंगल के बारे में सोचो, अभी भी सोचो कि एंगल अभी भी कितना बनेगा, नहीं अश्विनी गड़बड़ है, ऋषिकेश ने बोला 0, अच्छा और कोई, बाकी लोग एरिया के बारे में सोचो, बिट्टू ने भी बोला 0, बाकी लोग जल्दी जल्दी जवाब,
चाहिए मुझे अब। सनी जीरो, प्रियंका जीरो, मोहित भी जीरो, चलो ठीक है। आई कैप जीरो, देखो सबको ये चीज समझ में आना चाहिए कि एरिया वेक्टर अभी भी के कैप बनेगा। क्या ये सबको क्लियर है कि एरिया वेक्टर अभी भी के कैप बनेगा? सर जा रहे सर, गलती से आई कैप हो गया सर, के कैप ही होगा। तो एरिया वेक्टर अभी भी के कैप ही है और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे है, तो डायरेक्शन अभी भी जो दोनों के बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री बनेगा, राइट? अभी भी जो एंगल बनेगा, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से अपने को लेना ही नहीं है, लेना देना कुछ है ही नहीं। एंगल जो हमारा बनेगा वो हर केस में आपका 90 डिग्री बनेगा, और 90 क्या मतलब, cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो EA cos 90 डिग्री, राइट? और cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 into something is always 0, राइट? तो फ्लक्स ऐसे केसेस में आपका हमेशा 0। चलो, और सिर्फ ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होता तब भी जीरो होता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होता तब भी जीरो होता, ठीक है? क्योंकि एरिया वेक्टर जो है हमेशा, वो एरिया वेक्टर हमेशा किस साइड में जाएगा? एक्चुअली एरिया वेक्टर आपका के कैप में जाएगा। देखो ये एरिया वेक्टर अगर आप निकालोगे तो इस डायरेक्शन में हमेशा इस पे परपेंडिकुलर बनाएगा एरिया की, इस पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री यहाँ से आपका बनाएगा, ठीक है? तो एरिया वेक्टर हमेशा जाएगा के कैप के साइड, और के कैप के साइड जाने की वजह से इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी ले लो इसके प्लेन में, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 90 डिग्री, इसलिए कहीं पे भी लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0। क्या ये सवाल सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिनको क्लियर है सर एक बार और रिपीट कीजिए सर। जिनको क्लियर है आप यस करो वहां पे जाकर। देखिए इसमें है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया हमेशा इस पे 90 डिग्री बनेगा। क्यों 90 डिग्री बनेगा, पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे केसेस में। आप लोग पुराना क्लास रिवीजन करके नहीं आते क्या? बलराम आप पुराना क्लास में थे कि नहीं थे? पुराना क्लास में ये चीज देखो, यहाँ पे ये पुराना क्लास में क्या करवाया है, यहाँ पे कितना एंगल है, सेम चीज यहाँ पे प्लस माइनस जे कैप, और यहाँ पे समझाया भी था कि ऐसे केसेस में जो भी डायरेक्शन लेते हो, अगर ये ए वन का देख रहे हो तो ए वन का एरिया आई कैप, ए टू का एरिया माइनस आई कैप। तो ऐसे केसेस में अगर हम लोग सिंपल लेंगे तो सिंपल में लेंगे मतलब परपेंडिकुलर रहेगा उस पे एरिया, तो उस केस में एरिया आपका कहाँ बताया था पहला चीज में, प्लस माइनस। यहाँ पे देखो ऐसे केसेस में, देखो ये केस में एरिया जो स्क्वायर है इसका डायरेक्शन किधर बताया था, के कैप। तो के कैप बताया था तो हम लोगों ने लिया था के कैप, तो सामने ये जो एरिया हम लोग लेंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर के कैप की तरफ, और के कैप के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा, कहीं पे भी रखो आप। अभी यही तो बताया ना, ये सवाल समझ में आ गया था बलराम आपको, जब ये सवाल समझ में आ गया तो फिर दूसरा में तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। आई कैप और के कैप तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी डायरेक्शन में लो, इस वाले सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी डायरेक्शन में लो, एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी, 0। राशि ने पूछा सर अगर ई भी के कैप के डायरेक्शन में हो, अगर ई भी के कैप के डायरेक्शन में हो तो वो तो सवाल ही अलग हो जाएगा ना राशि, मैंने तो इस क्वेश्चन का सवाल किया था ना। अगर ई भी के कैप के डायरेक्शन में हो तो फिर के कैप डॉट के कैप लेंगे, दोनों के बीच का एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे। इज इट क्लियर? और वो तो सवाल ही अलग हो जाएगा, मैंने तो सवाल ये किया था कि एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसी भी डायरेक्शन में हो यानी कि बस इसके परपेंडिकुलर हो,
क्या ये सबको क्लियर हुआ? चलिए सबको रिज्वाइन कीजिए।